वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश पोएम और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सुनील कुमार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में बताऊंगा, जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बनाए हैं, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही सरल भाषा में। एग्जाम्पल्स के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं, इसमें आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आता चला जाएगा। पहले ये कुल 11 पेज के नोट्स हैं। इसमें फर्स्ट पेज में ये बताया गया है डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इसमें दोनों प्रकार के नियम बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं दूसरे पेज में दिया गया है, और प्रोनाउन में कैसे कैसे परिवर्तन किए जाते हैं तीसरे पेज पर बताया गया है, कि टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं, जो प्रेजेंट के सारे टेंस होते हैं वे पास्ट में बदल जाते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। इसी प्रकार के जिन छात्रों को टेंस का ज्ञान नहीं है वे इनडायरेक्ट कैसे बनाएं उसके लिए भी नीचे लिखा हुआ है, कि डू या डज को डिड में बदल देते हैं, वाज वर्ब को हैड बीन में बदल देते हैं इत्यादि। इसके अलावा जो टाइम या पोजीशन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो भी इसमें बताया गया है, जैसे जस्ट को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में इत्यादि। इस प्रकार से सरल भाषा में ये नियम बताए गए हैं। इसके अलावा नाउ दिस हेयर को लेकर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो बताए गए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलता है वो इसमें समझाया गया है, और उसके बाद पेज नंबर 5 पर सेंटेंस के आधार पर डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये समझाया गया है। जैसे 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगेगा, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स हो जाता है और दैट से जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इंटरोगेटिव वाक्यों में आस्क्ड से टू की जगह आस्क लग जाता है और इफ से जोड़ते हैं या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं। इसी प्रकार बाकी सेंटेंसेस में भी सेड टू की जगह पे क्या लगेगा और कौन से कंजक्शन से वो जुड़ेंगे वो इसमें समझाया गया है। इसके बाद पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 11 तक जो सेंटेंसेस हैं उनके आधार पर एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाया गया है। जैसे पेज नंबर 6 पर एसर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा उसके ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को देखकर समझ सकते हैं कि एसर्टिव वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद अगले पेज पर इंटरोगेटिव वाक्यों को इंटरोगेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना सिखाया गया है एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आप एग्जाम्पल्स पढ़ करके ये जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पेज नंबर 8 पर दिया गया है कि इम्पेरेटिव वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। इसके बाद लेट वाले वाक्य हैं पेज नंबर 9 पे, उसके उदाहरण हैं, इनको पढ़ें आप। फिर पेज नंबर 10 पर एक्सक्लामेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताया गया है, और अंत में पेज नंबर 11 पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी इच्छा सूचक वाक्यों को इनडायरेक्ट बना करके दिखाया गया है, एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया गया है। आप इन एग्जांपल्स को पढ़कर, इनके रूल्स को पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे कठिन चीज़ को बड़ी आसानी से ही समझ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों को शेयर करें और इस हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो अंग्रेजी के संबंध में मिलती रहें।